हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सर्कुलर जर्नी टिकट क्या होता है, इसे कैसे बुक किया जाता है, इस टिकट को बुक करने के फ़ायदे क्या हैं, टिकट को बुक करने में कितना चार्ज लगता है और इस टिकट की क्या वैलिडिटी होती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्कुलर टिकट क्या होता है। भारतीय रेलवे बुकिंग सर्कुलर यात्रा टिकट की सुविधा उन यात्रियों को प्रदान करती है जो कई स्थानों की तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थलों की सैर करना चाहते हैं। नियमित मार्गों के अलावा ये टिकट उन सभी यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं जो एक ही स्टेशन पर शुरू होते हैं और उसी स्टेशन पर ख़त्म होते हैं। सर्कुलर टिकट आप किसी भी श्रेणी के लिए बुक कर सकते हैं, यानी स्लीपर, जनरल या एसी कैटेगरी आप किसी में भी बुक कर सकते हैं। जैसे मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन भाटपरानी है, तो मैं यहां से यात्रा प्रारंभ करता हूं। उसके बाद से अगर मैं लखनऊ में रुकना चाहता हूं, उसके बाद से आगरा में रुकना चाहता हूं, दिल्ली, बम्बई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और कोलकाता पटना होकर के फिर से मैं भाटपरानी आना चाहता हूँ, तो दोस्तों ऐसी यात्रा के लिए हमें सर्कुलर टिकट लेना पड़ेगा। सर्कुलर टिकट में आप अधिकतम 8 स्थानों पर रुक सकते हैं और वहां से घूमने के बाद से आप पुनः यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आइटेंडरी के लिए मैंने एक सैंपल पेपर तैयार कर रखा है, यानी ये एप्लीकेशन है। अगर आप भी सर्कुलर टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको भी इस तरह का पहले एप्लीकेशन तैयार करना होगा जिसमें आपको ये सारी आपको डिटेल देने होंगे। ओके दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सर्कुलर जर्नी टिकट के फ़ायदे क्या हैं। सर्कुलर जर्नी टिकट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें बार बार टिकट नहीं खरीदना पड़ता है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम घूमने जाते हैं तो हम किसी स्टेशन पर रुकते हैं, वहाँ पर घूमते हैं और उसके बाद से हम उसी टिकट, यानी जो हमने सर्कुलर टिकट बनवा रखा है, उसी टिकट से हम दूसरी ट्रेन पकड़ करके अपनी पुनः यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो टेलीस्कोपिक रेट्स होते हैं उसका हमें फ़ायदा मिलता है, यानी हम रेलवे यात्रा के दौरान जितनी अधिक दूरी का टिकट लेते हैं हमें किराए में उतनी अधिक रियायत मिलती है। तो दोस्तों, इस रेट का भी हमें फ़ायदा मिलता है। अब जान लेते हैं सर्कुलर टिकट बुक करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये तय कर लेंगे कि आपको किन किन स्टेशनों पर रुकना है, यानी उतर करके आप वहाँ से घूमने जाएंगे। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि कुछ रेलवे जोन्स ऐसे भी हैं जो पहले से ही एक निर्धारित स्टैंडर्ड आइटिनरी बनाकर रखते हैं, यानी कोई यात्री घूमने जाना चाहता है या तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता है तो वो कहाँ कहाँ पे रुकेगा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है और आप उसी के आधार पर अपना टिकट बनवाते हैं और यात्रा करते हैं। तो अगर आपको वो आइटिनरी अच्छा लगता है तो आप उसी के आधार पर अपना टिकट बनवा सकते हैं। यात्रा का स्थान निर्धारित कर लेने के बाद आप जिस रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं वह रेलवे स्टेशन जिस जोन के अंतर्गत आता है उसी रेलवे जोन के वाणिज्यिक अधिकारी यानी DCM डिविजनल कमर्शियल मैनेजर से मिल करके आपने जो यात्रा निर्धारित किया हुआ है आप इसको प्रूव करवा सकते हैं। दोस्तों, आप इसको अप्रूव करवाने के लिए स्टेशन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मली ये लोग अप्रूव करके दे देते हैं। अप्रूव होने के बाद आपको इस तरह का फॉर्मेट में एक फॉर्म मिल जाएगा जिसे ले करके आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि ये इस तरह की बुकिंग सभी स्टेशनों पर नहीं होती है, कुछ चुनिंदे स्टेशन होते हैं वहीं पे बुक होता है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जिस जोनल रेलवे स्टेशन पे गए हुए हैं आप वहीं से इस टिकट को बुक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम यहाँ पर चार्जेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो टिकट का चार्ज होता है वो डिस्टेंस के हिसाब होता है, यानी आपने कुल जितनी दूरी तय करेंगे दोस्तों उसी के हिसाब से आपको चार्ज देने होते हैं और बाकी जो स्टैंडर्ड चार्ज होते हैं जैसे सुपर फास्ट चार्ज हो गया, सर्विस चार्जेज हो गए, तो ये आपको देने ही होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर कंसेशन की बात की जाए तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं दोस्तों उनको कंसेशन दिया जाता है। जो पुरुष सीनियर सिटीजन हैं यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उन्हें टिकट फेयर पे 40% तक का डिस्काउंट मिलता है, जबकि जो महिला सीनियर सिटीजन है यानी वो महिला जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उनको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि जो यात्रा का डिस्टेंस हो यानी दूरी हो वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए।
और दोस्तों लास्ट में आपको बता दें कि जो इस टिकट की वैलिडिटी होती है वो आप जितने दिन ट्रैवल करते हैं और जितने दिन ठहरते हैं दोस्तों, जो दोनों का योग होता है वो इस टिकट का वैलिडिटी डेट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सर्कुलर टिकट के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।